भी बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी, कोई बंदा नहीं था यहाँ पे। हेलो, गुड नून फ्रॉम महरीज। और आज है हमारा डे 37 और आज हमने ट्रैवल करना है महरीज से शिराज, और शिराज जो है ना वो यहाँ से ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर्स है। और टाइम जो है ना वो 12 बज चुके हुए हैं, काफ़ी लेट हो गया हूँ क्योंकि रात हम यज्द से वापस जो है ना वो रात को तकरीबन 2 बजे आए हैं। तो खैर, उठते उठते अभी काफ़ी टाइम हो गया, बस अभी पैकिंग वगैरह करते हैं और निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी अल्लाह मियाँ, हमारा आज का और आगे वाला सफ़र बाहिफाजत तय करवाना और हमें हर तरह की मुश्किलात, परेशानियों और तकलीफ़ों से महफूज रखना। सो फाइनली आफ्टर अराउंड 7 और 8 डेज हम फिर से जो है ना वो बाइक पे ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं। काफ़ी लंबी ब्रेक आ गई थी, पेट्रोल फिल करवा लें इधर से। सलाम, हाँ फुल फुल जो मिली है। जो मिली पाकिस्तान गिलान गिलान मामनून चलो पांच चलो शेष, शुक्र है इधर मसला नहीं हुआ। ममनून ममनून हवा जो है ना वो काफी तेज है और इस साइड से आ रही है, लेफ्ट साइड से टुवर्ड्स राइट, और बाइक को यकदम उधर को ले जाती है धकेल के। सो थोड़ा सा जो है ना वो प्लान चेंज हो गया है। अब आज जो है ना मैं नहीं जा रहा शिराज, और मैं यहाँ पे यज्द में ही स्टे करना चाह रहा हूँ ताकि यज्द को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लूँ। कुछ दो तीन काफ़ी अच्छी प्लेसेस है यहाँ पे, वो देख ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यज्द जो है ना ये काफ़ी हिस्टोरिकल शहर है और काफ़ी खूबसूरत भी है। वाओ, काफ़ी बड़ा शहर है यार, मतलब ऑलमोस्ट मुझे कोई 20-1 किलोमीटर हो गए होंगे एंटर हुए शहर में,
और जहाँ जाना है अभी स्टिल वो 3-4 किलोमीटर रहता है। सो आई थिंक कि हम ओल्ड सिटी में आ गए हैं। ये है इस तरफ, लेकिन आई डोंट नो कि अंदर बाइक्स जाने देते हैं या नहीं। और काफ़ी प्यारी जगह है ये और हिस्टोरिकल है। अल्लाह करे कि वो जो छोटी छोटी गलियां हैं वहाँ पे मैं बाइक लेके जा सकूं, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है यार ऐसी गलियों में बाइक चलाने का। अभी तो वैसे मेरे ख्याल में बंद ही हैं सारी शॉप्स, तो हम होपफुली जा सकते हैं। बाइक्स जा तो रहे हैं वैसे, लेट्स सी। This is beautiful. तो हिस्टोरिकल सिटी ऑफ यज़्द तकरीबन 2500 साल पुराना वाहिद इतना तारीखी शहर है जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। और इसकी ख़ास बात यह है कि शहर का जितना हिस्सा ज़मीन में है उससे 2 गुना यानी 2 मंजिला ज़मीन के नीचे भी है। और इस शहर को 2500 साल पहले रेत, मट्टी और कीचड़ के साथ इस महारत से डिज़ाइन किया गया कि गर्म सहराई तूफ़ानों से बचा जा सके। रेत, मट्टी और कीचड़ से बनाए जाने की वजह से शहर का अंदरूनी और ज़ेर ज़मीन हिस्सा इंतहाई ठंडा रहता है। और तारीखी एतबार से भी यज़्द काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि यज़्द 6400 किलोमीटर तवील ओल्ड सिल्क रूट का एक अहम हिस्सा था, जहाँ से चाइनीज़ ताजर रेशम की तजारत के लिए चाइना से सेंट्रल एशिया, ईरान, इराक और तुर्की से होते हुए यूरोप तक जाया करते थे। और यज़्द को एक मिडवे स्टॉप के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और चूंकि सिल्क रूट से रेशम की तजारत होती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता यज़्द में भी रेशम की प्रोडक्शन होने लगी और आज तक जारी है। यहाँ पे एक होस्ट से बात हुई है और उसने कहा है कि आप सिल्क रोड होटल है यहाँ पे, वहाँ पे चले जाओ और तो आपके लिए अकोमोडेशन फ्री है। इन गलियों में वैसे दिल करता है बंदा राइड करता ही रहे। ओके आई थिंक हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे। यस सिल्क रोड होटल।
इज समथिंग हिस्टोरिकल बाथरूम और आई डोंट नो ये किस तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे अंदर से अंदर जो है ना वो छोटे छोटे पोर्शंस बने हुए हैं नहाने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम यज़्द। और कल जो है ना वो शिराज जाते जाते मेरा प्लान बिल्कुल चेंज हो गया कि यार चलें एक दिन जो है ना वो यज़्द में गुजारते हैं, और तो फिर मैं यज़्द में ही आ गया था। सो कल जो है ना वो कुछ यज़्द की वाइब्स देखी हैं, सिटी वाइब्स। और यहाँ पे एक बड़ा फेमस जो है ना ओल्ड सिटी ऑफ यज़्द है वो देखा है। और उसके बाद रात में मैं फिर यहाँ पे इस होटल में आ गया था, बड़ा ज़बरदस्त एक होटल है। और तकरीबन 11 बजे मैं आया था तो यहाँ पे ना बिल्कुल सुनसान था सारा, और बाहर जो ये गली है मेन ये भी बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी, कोई बंदा नहीं था यहाँ पे। तो मुझे डर लगना शुरू हो गया फिर मैं यहाँ से चला गया था होटल में। होटल थोड़ा सा यहाँ से दूर है और ये देखें ज़रा गली जो है ये बिल्कुल कोई बंदा नहीं था यहाँ पे। और इस होटल में इस बिल्डिंग में भी कोई नहीं था बंदा। फिर मुझे जब डर लगना शुरू हुआ तो मैं यहाँ से उठ के चला गया होटल में रेस्टोरेंट में। वहाँ तकरीबन मैं 2:30-3 बजे तक बैठा रहा हूँ। जब फजर की अजानें हुई है ना तो उस टाइम में कुछ बेहतर महसूस करना शुरू किया मैंने, तो फिर मैं वापस आ गया यहाँ पर। सो अब शावर वगैरह ले लिया, थोड़ा सा खाना वगैरह खाते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर जो है ना निकलते हैं शिराज की तरफ। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज हम मगरिब तक या ज़्यादा से ज़्यादा ईशा तक 8 बजे तक जो है ना वो शिराज पहुंच जाएंगे। और बड़ा ही एक प्यारा सा रूम है जहाँ पे मैं लास्ट नाइट मैंने गुजारी है। वॉशरूम क्लीन नीट, और ये एक अदद छोटी सी फ्रीज़र। ये वाली जो है ना ये गली थी और रात में ये ऐसे सुनसान थी। ये चेक करें ज़रा सीन्स आप तो डर तो लगना ही था फिर। अच्छा, शिराज निकलने से पहले ना यहाँ पे एक प्रिज़न है अलेक्जेंडर के दौर का, तो वो भी देख लेते हैं जाते जाते। बस 5 मिनट का जो है ना वो डिस्टेंस है यहाँ से। बड़ी यार ये ना पुरसरार सी लोकेशन है और बिल्कुल वो वाली वाइब्स आती हैं कि बंदा पता नहीं कितने हज़ार साल पीछे चला गया हुआ है। और इतने ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपना कल्चर मेंटेन किया हुआ है कि बंदा ना दंग रह जाता है। साफ़ सुथरी जो है वो स्ट्रीट्स हैं, हालांकि ये इतनी पुरानी है लेकिन बड़ी खूबसूरती से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है इसको। छोटी छोटी गलियाँ हैं, अक्सर मैप्स भी जो है ना वो बेचारा घबरा जाता है कि किधर जा रहे हैं वाओ।
यार मैं ना बिल्कुल दंग रह गया हूँ किस तरह से सारी जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उन्हें इतनी खूबसूरती से और साफ सुथरे तरीके से इन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है। जस्ट अमेजिंग। सो जी ये है अलेक्जेंडर प्रिजन। प्रिजन तो मुझे नज़र नहीं आया, आई डोंट नो कहाँ पे है, लेकिन ओवरऑल जो इसकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ना वो बहुत ज़बरदस्त है और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन की हुई है। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12:30 हो गए हैं, निकलें जल्दी जल्दी शिराज की तरफ। 440 किलोमीटर है यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह आज वाला जो सफ़र है ये बाहिफाजत ठीक ठाक तरीके से बग़ैर किसी मुश्किल परेशानी के पूरा फरमाना। मेरे ख़्याल में खाना जो है ना वो खा लेना चाहिए यहीं से, उसके बाद फिर आराम से 5-7 घंटे जो है ना वो बंदा टेंशन फ्री होकर ट्रैवल कर सकता है। ओके जी लंच हो गया, अब बस जो है ना फटाफट निकले, 1:30 बज गया इधर ही। अब हमने ब्रेक जो है ना वो 200 किलोमीटर के बाद मारनी है इंशाल्लाह। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर इतने खूबसूरत हैं यार, इतने साफ सुथरे हैं ना कि बस दिल करता है बंदा देखते ही रहे, फिरता ही रहे सड़कों पे। और शहर में ना जो पार्क्स हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि लगता है जैसे किसी का कोई प्राइवेट पार्क होता है वो। बहुत ही मेंटेन्ड और खूबसूरत पार्क्स हैं यहाँ के, हर शहर में ऐसे ही है। ये कोई दरिया है मेरे ख्याल में राइट साइड पे ना, लेकिन अभी बिल्कुल खुश्क हुआ है। इस पहाड़ की जो है ना वो शेप चेक करें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ईगल जो है ना वो बैठी होती है। चलते चलते अपना चीता मिसिंग करना शुरू हो गया तो मैं रुक कर एयर फिल्टर चेंज करने लगा। इतने में एक फैमिली वहाँ रुकी और उन्होंने कॉफ़ी पिलाई और अपने चीते के साथ कुछ पिक्चर्स ली और भाई के साथ कुछ सेल्फीज़ भी ली। थोड़ी बहुत फारसी मुझे अब समझ आना शुरू हो चुकी थी तो उनके साथ काफ़ी अच्छी गपशप भी लग गई।
बाइक का मैंने फिल्टर चेंज कर लिया है, अब इंशाल्लाह जो है ना सही ज़ोर लगा के बाइक चढ़ेगी। पहले मिसिंग करना शुरू हो गई थी, मेरे ख्याल में फ़िल्टर बंद हुआ हुआ था। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है अब, मुझे लगता है और घंटे दो घंटे तक ना मुझे अपर निकालना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जानी है। और अभी तो हम माउंटेंस के अंदर जा रहे हैं मज़ीद। अब ये माउंटेन्स जो हैं वो कम्प्लीटली रेड हो गई हैं दोनों साइडों पे। लैंडस्केप्स एक बार फिर चेंज हो गए हैं और अब जो है ना वो प्लेन्स है बिल्कुल, और आसपास कोई आबादी वाला सीन अभी नहीं है फिलहाल। बस ये है कि ट्रैफिक ज़रा चल रही है और काफ़ी आसरा हो जाता है जब ट्रैफिक चलती रहे ना आसपास। अच्छा मौसम जो है वो फिर ज़रा नॉर्मल सा हो गया, दरमियाना सा, बिल्कुल मॉडरेट है, ना ठंड है ना गर्मी है, क्योंकि अभी हम माउंटेन्स से काफ़ी दूर हैं और जो एल्टीट्यूड है ना वो काफ़ी लो है। छः बज के 10 मिनट हो गए हैं और मेरे ख्याल में और आधे घंटे तक सनसेट हो जाएगा। और अभी जो है ना शिराज 236 किलोमीटर्स है, लेकिन मैंने अभी पीछे साइन बोर्ड देखा है एक, उसके ऊपर लिखा हुआ था पासरगाद और तख्ते जमशेद, ये आ रहे हैं ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर्स पे, तो इनमें से एक जगह पे ही स्टे कर लेंगे आज रात, या पासरगाद में या फिर तख्ते जमशेद के आसपास। यार पीछे जो सनसेट के सीन्स बने हुए हैं ना, ओए 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 ओए, और ये जो लास्ट मोमेंट्स ऑफ लाइट है ना, ये जो पहाड़ों पे पड़ रही है लाइट आके सनसेट की, एक तो वैसे ही इतने ज़बरदस्त हो गए हैं लैंडस्केप्स, ऊपर से ये जो गोल्डन आवर है ना इसने तो और ही तबाही मचा दी है। अभी बस पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है, लास्ट जो है ना 2-1 लीटर रह गया है बस, और नेक्स्ट जो सिटी है वो यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर्स है, तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के जाके रिफ़िल करवाते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। यार ठंड हो गई है भाई, ओह अभी बस ये आगे सफ़ा शहर जो आ रहा है ना टाउन या सिटी, वहाँ से रिफिलिंग भी करवाता हूँ और अपर भी निकालता हूँ।
ठंड लगना शुरू हो गई है भाई, और अभी मजीद अल्टीट्यूड जो है ना वो ज़्यादा हो रहा है। पेट्रोल पंप जो है ना वो आ गया है, फ्यूल रिफिल करवा ही लेना चाहिए यहीं से। अल्लाह करे बस ये दे दें। समटाइम्स मसला करते हैं कि भाई नहीं देना उसके बगैर, कार्ड के बगैर। सलाम, बखूबी? خوبه، راضی، سفر با موتور راضی؟ خوبن. واقعا تنهایی؟ تنهایی. पाकिस्तान 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 फारसी निस्त। चलो पांच, चलो शीश, चलो पांच, चलो शीश। ममनून ममनून। ओके, फ्यूल रिफिल हो गया है, अपर भी पहन लिया है, लेट्स गो। शहर। ओ, क्या लाइटें नजर आ रही हैं यहाँ से। सिटी का व्यू जो है ना इतना खूबसूरत लग रहा है। वेलकम टू पासरगाद, और ये काफ़ी फेमस है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आई थिंक एक टॉम्ब है और वो ऑलमोस्ट 1500-1600 साल पुराना है। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट आया है मेरे ख्याल में, थोड़ा सा रुक के ना मैं खाना वगैरह खा लूं, और आज रात यहीं पे स्टे कर लेते हैं। चिल्लू कबाब को भी था जैतून। जैतून शूर या भारत
پرواده باشه باش. ओके जी, डिनर हमने कर लिया। अब ना जाके कोई होटल ढूंढते हैं। आज रात पासरगाद में ही स्टे करते हैं। यहाँ पे कोई 3-4 जो है ना वो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, सुबह उन्हें देख के तो फिर शिराज निकल जाएंगे। शिराज यहाँ से है अराउंड 120 किलोमीटर्स, तो मैक्सिमम 2-1 घंटे का रास्ता है। अभी हम पासरगाद सिटी की तरफ जा रहे हैं। सिटी तो शायद नहीं है, एक टाउन सा ही है छोटा सा। ये एक होटल नज़र तो आया, इसको चेक करते हैं। रिव्यूज़ तो मैंने देखे हैं गूगल पे, रिव्यूज़ तो अच्छे हैं। लेट्स गो इनसाइड एंड चेक। जगह तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी बनाई हुई है यार, वाओ। सलामुलेकुम। सलामुलेकुम। I am at your place, nobody here. Please come. Hello. I am at your hostel. Vale. Okay. यार एक तो समझ भी नहीं आती कैसे बंदा बात करे। सलाम यक्ष वकामत। पाकिस्तान चंद आज قیمت ولی نداره برای یک نفر شما 500 آره یک نفر 500. Hello from Pasargad. جانا تو ویسے شیراز تھا لیکن کیونکہ رات ہو گئی تھی، اندھیرا ہو گیا تھا اور سردی بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی، اپر سے جو ہے نا وہ گزارا نہیں ہو رہا تھا اور سردی مزید لگ رہی تھی، تو میں نے کہا یار بجائے اس کے کہ ہم شیراز جائیں، کیونکہ شیراز یہاں سے آلموسٹ 120 کلومیٹرز ہے، تو میرے خیال میں وہاں پہ جاتے جاتے سردی جو ہے نا وہ زیادہ ہو جانی تھی۔ سو یہاں پہ میں نے اسٹے کر لیا ہے پاسرگاد میں، اور یہاں پہ ایک دو کافی ہسٹوریکل پلیسز ہیں، صبح وہ دیکھیں گے۔ اور یہ جو ہوٹل تو نہیں ہے، کائنڈ آف گیسٹ ہاؤس ہے، بہت ہی زبردست طریقے سے اس کو انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، ہسٹوریکل چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور جو لوکل ان کا کلچر ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے آویزا کیا ہوا ہے۔ اور ہم نے آج ٹریول کیا ہے اراؤنڈ 320 کلومیٹرز فرام یزد ٹو سم ویئر ہیئر۔ We'll be right back.